हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है हॉर्स ट्रेलर या हॉर्स लोडर, जो कि हर एक फार्म पे होना चाहिए, हर एक हॉर्स लवर के पास होना चाहिए, जिसको स्पेशली लॉन्ग राइड्स का शौक है या जो इवेंटिंग कोई करता है या कोई स्टड फार्म है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसकी ज़रूरत सबको है। घोड़े की जो लोडिंग है वो सेफ्टी से हो, घोड़े की ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी से हो, उसके लिए ये ट्रेलर बहुत ही ज़रूरी है। हम लोग इसको अपनी गाड़ी के पीछे लगा के रखते हैं, ये पुराना मॉडल पर जाए, सो एक गुड इन्वेस्टमेंट है। एंड ये है हमारा ट्रेलर, ये लोकल यहीं पे पटियाला में ही बना हुआ है। इसके कुछ स्पेशलिटीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा। एक तो इसमें ये जैक व्हील दिया गया है, ताकि इसको अनलोड करने के लिए जब भी आपको इसको डिटैच करना है गाड़ी से तो बड़ा आसान रहे। एंड दिस इज स्टोरेज, ये स्टोरेज के लिए है जिसमें आप अपनी सैडल्स रख सकते हैं और अपना खाने पीने का सामान जब भी आप कैंपिंग पे जाते हो तब रख सकते हो। इसका साइज करीब है 5 फिट बाय 3.5 फिट। इसको डबल एक्सल दिया गया है, 4 व्हील है इसके और इसमें ब्रेकिंग सिस्टम भी है, और इंडिविजुअल सस्पेंशन होने की वजह से घोड़े के लिए ये बड़ा आरामदायक है, और इसको लो प्रोफाइल रखा गया है ताकि घोड़े के लिए ये राइड बम्पी ना रहे। ये इसका रैंप है, इसको एक हाइड्रोलिक जैक के ज़रिए बनाया गया है ताकि इसकी लिफ्टिंग और नीचे आना बहुत आसान हो सके। ये इतना इजी है कि एक आदमी इसको आराम से उठा सकता है। इस रैंप के ऊपर रबर मैटिंग की गई है, बहुत सारे लोग यहाँ पे स्ट्राइप्स लगा देते हैं लोहे की, मगर जब भी घोड़ा नीचे आता है अगर उसमें घोड़े का पैर फंस जाए, नाल फंस जाए, तो घोड़े के रोल होने का खतरा है। इसकी डायमेंशन है 10 फिट, 10 फीट लंबा है। इसके अंदर ये हम लोगों ने फीडर बनाया है खाने के लिए, क्योंकि घोड़े को जब भी अंदर आके खाना मिलना शुरू हो जाएगा तो घोड़े को एट होम लगता है और घोड़ा आराम से खड़ा रहता है। इसमें 2 विंडोज हैं साइड में, अगर घोड़े को कहीं आपको पार्क करना है थोड़ी देर के लिए। वैसे तो कभी आपको घोड़े को पार्क करना पड़े, गाड़ी खराब हो जाए, तो घोड़े को ट्रेलर से बाहर निकाल लीजिए। और इसके नीचे रबड़ की मैटिंग है और वुडन फ्लोर है, वुडन फ्लोर भी थोड़ी थोड़ी सस्पेंशन का काम करता है, और वुडन फ्लोर होने की वजह से यूरिन जो है नीचे ड्रेन करता है और आपकी गाड़ी नीचे से ख़राब होने से बिल्कुल बच जाती है। ये स्पेयर व्हील रखा गया है, और ये है आगे के लिए दरवाज़ा, ताकि हर बार आपको पीछे से खोल के आगे ना चढ़ना पड़े, और घोड़े को अगर आपको पानी पिलाना है, कुछ भी करना है, तो आप आगे से मैनेज कर सकते हैं। और दूसरा, कई घोड़ों को एक आदत होती है, अगर पीछे का टेल गेट आप पहले खोल देंगे तो घोड़े एकदम से पीछे उतर जाते हैं, कई बार वो बंधे हो तो उनका जो गला है वो घुटने का डर रहता है। ये सेम उसी का डोर है, ताकि ये 2 डोर इसलिए रखे गए हैं क्योंकि जो सामान बिल्कुल दूसरी साइड चले जाएगा उसको निकालना आसान नहीं रहेगा। सो ये एक गुड इन्वेस्टमेंट है किसी भी घोड़ा फार्म के लिए, किसी भी हॉर्स लवर के लिए। इसकी कॉस्ट करीब रहती है 2,65,000, और इसका वेट, बॉडी वेट है करीब 10 क्विंटल, और एक अच्छी जो गाड़ी है लाइक 2500 cc या 3000 cc कोई भी रहती होगी, 2800 cc, वो इसको लेके आप मैक्सिमम स्पीड 80 प्लस या 100 तक जा सकते हो ओवरटेकिंग के समय, मगर रिकमेंडेड यही है कि आप इसको 60-65 पे ही चलाएं। इसकी एक और स्पेशलिटी मैं दिखाना चाहूँगा आपको, आप इसको देखेंगे तो ये पजेरो गाड़ी से करीब 4 इंच बाहर चलता है, सो ये इतना वाइड नहीं है कि आगे की गाड़ी को एक तो
ओवरटेकिंग में दिक्कत नहीं आती है। जो बहुत बड़े ट्रेलर हैं उनका दूसरी गाड़ियों को ओवरटेक करना बड़ा ही मुश्किल है। आप देख सकते हैं कि ये गाड़ी से कोई बाहर नहीं चलता है। एक बार इधर से भी दिखाओ, गाड़ी के अंदर रहने से एक तो गाड़ी जहाँ से एरोडायनेमिक है तो ट्रेलर को हवा का प्रभाव पड़ने से आपकी गाड़ी की एवरेज कम नहीं होगी, और दूसरी बात साइडों से वाइड नहीं होगा तो आपकी गाड़ी को ओवरटेकिंग की बड़ी आसानी रहेगी। जहाँ से आपकी गाड़ी निकल जाएगी तो आपकी ओवरटेकिंग इजी हो जाएगी। दूसरी बात, ये एक महिंद्रा पिकअप जितना वाइड है इसमें दो घोड़े भी आ सकते हैं, मगर जो घोड़े लड़ते हैं वो रिकमेंडेड नहीं है कि आप एक ट्रेलर में लेके जाओ। बहुत सारे ट्रेलर्स में पार्टीशन रहती है, मगर मैं पार्टीशन वाला ट्रेलर रिकमेंड नहीं करता। जो घोड़े अनट्रेंड हैं वो पार्टीशन वाले ट्रेलर में अंदर जाते ही नहीं हैं, तो उनकी पहले हैंडलिंग, जैसे हम लोग तो कभी नया घोड़ा खरीदते हैं तो आपको बहुत समय लग जाएगा उसकी लोडिंग के लिए अगर पार्टीशन होगी। सो इसको जितना सिंपल और सस्ता हम बना सके बनाया है। एक इसके आगे भी विंडो दी गई है हवा के लिए, इसको भी आप खोल सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा गर्मी फील हो। अदरवाइज़ तो गाड़ी जब चलती है बिल्कुल छोटी सी ओपनिंग से भी हवा अंदर आती जाती रहती है। और इसके अंदर प्रेशर ब्रेक्स है, जब भी आपकी गाड़ी रुकेगी तो इसकी हुक में ब्रेक सिस्टम लगा है, वो पीछे ऑयल को पंप करेगा और आपका जो है गाड़ी, ये ट्रेलर रुक जाएगा और गाड़ी को ये डिस्टर्ब नहीं करेगा रुकते समय। तो और ज़रूरी चीज़ें हैं जो एक हर एक ट्रेलर में होना चाहिए, एक तो ये हुक है, ये दो चेन है और हुक लगी है। इसका पर्पज ये रहता है कि कभी आपका ट्रेलर बाई चांस डिटैच हो जाए, हुक कुछ निकल जाए, तो ये ट्रेलर को आपकी गाड़ी के पीछे ही रखेगा और सीधा घिसते हुए ट्रेलर रुक जाएगा। अदरवाइज हो सकता है ट्रेलर दूसरी साइड मुड़ जाए और किसी को चोट लगा दे। और ये इसके इंडिकेटर सिस्टम है, क्योंकि गाड़ी में जो आपको किसी को सिग्नल देना है मुड़ने के लिए तो उसके काम में ये इंडिकेटर्स आते हैं। कंडीशन है कि अगर सब लोग कुछ एक ना एक ट्रेलर, वो भले किसी भी कंपनी का हो, किसी भी मेक का हो, तो ट्रेलर सबके पास होना ज़रूरी है अगर आप अपने घोड़ों को सेफली ट्रांसपोर्ट करना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच।